50 में वो दम नहीं रही यार। तो 5 गियर एमटी में 6 गियर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन, अनदर वीडियो, अनदर ड्रैग। तो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं जो न्यूली लॉन्च हुई है, जिसमें थोड़े बहुत अपडेट्स आए हैं, वो वाली ये खड़ी हुई है N250, और इधर साइड खड़ी हुई है MT V3, जिसमें दिया गया था ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया गया था और डुअल चैनल ABS दे दिया गया। तो गाइज, थोड़ी बहुत N250 की बात कर लेते हैं। तो मीटर वीटर दिखा देते हैं गाइज आपको। अब हर पल्सर की बाइक में यही वाला मीटर आने लगा है, जिसमें कि ट्रैक्शन कंट्रोल और मोड दे दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी गई है, यहाँ से सब होता है, और बहुत कुछ इसमें दे दिया गया। जैसे देखिए, यहाँ पे ऑफ रोड लिखा हुआ है, रोड और रेन, और 2-3-4 तरीके के मोड दिया गया हुआ है। बाकी गाइज, ये E20 मॉडल है, और इधर खड़ी हुई है MT15। MT15 का भी गाइज आपको मीटर दिखा देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, TCS ऑन है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया हुआ है। N250 में चार्जिंग पोर्ट दिया गया हुआ है, MT इधर साइड कुछ नहीं दिया गया है। और MT की पावर की बात करते हैं, तो गाइज 150 cc की बाइक है, जो कि 18 PS पावर एंड 40 Nm टॉर्क, और ऑन रोड प्राइस 215,000 रुपये के आसपास है। इधर साइड N250 की बात करते हैं, तो 24 PS पावर, 21 Nm टॉर्क, 250 cc का इंजन, जो कि 182,000 रुपये में ऑन रोड लखनऊ UP 32 में मिलता है। गाइज, दोनों ही बाइकें डुअल चैनल ABS की हैं। MT में बाइबर के ब्रेक दिए गए हैं, इसमें ग्रेमिका के ब्रेक दिए गए हैं कैलिपर। और गाइज, थोड़ी बहुत टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट वाला जो होता है वो 100 सेक्शन है, और रेयर वाला भाई 140 सेक्शन का टायर है। और ऐसे ही N250 में भी है, N250 में भी फ्रंट वाला 100 सेक्शन हो, रेयर वाला 140 सेक्शन। तो गाइज, सीधे शुरू करते हैं ड्रैग को, मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे। तो गाइज, अब हम चलाने जा रहे हैं MT15, और गौरव चलाने जा रहे हैं N250। 182,000, 215,000 आज होगी ड्रैग, यमहा वर्सेस बजाज। आओ, MT15 तो इनिशियल में निकल गई भाई। भैया 14 के टॉर्क है इस पे MT में, 21 के पीछे करी से, 21 के टॉर्क को पीछे कर दी से, वो देखो लेके निकला। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है इसमें भाई, भाई भाई भाई। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज आपको N250 में देखने को मिलता है, 5 गियर खाली। देखते हैं, हाँ क्या हाल चाल, ठीक हो? तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो N250 लेके भाई, अरे भाई लिफ्टर आ गया, बहुत जल्दी लिफ्टर आ रहा है भाई इसका। इतनी जल्दी लिफ्टर आएगा तो कैसे काम चलेगा गाइस? 6 गियर डाल दू और N250 पीछे, ये लो गाइस, मौका दे रहा है मुझे मौका। और थोड़ा सा कर्व पे गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया इसमें पिछला ब्रेक ही नहीं है, इनफैक्ट अगला भी नहीं है। भाई अरे भाई, MT15 निकल गई भाई, बहुत ज्यादा तेज MT15 जा रही है, देख सकते हो, जम्मा जम्मा करते हुए निकल गई भाई वो, क्या होगा मेरा। चलो गाइस, MT15 तो भैया धुआं हो गई, देख रहे हो, राजा भाग रही है भाई वो, ये गाइस। बहुत तेज आगे गई है, देख सकते हो, लिफ्टर आ रहा है 250 का। भाई इसने अल्ट्रॉस को हरा दिया, देख सकते हो अल्ट्रॉस निकल गई। अबे MT15 तो भैया ब्रेकफास्ट में खा रही है 250 को, देख रहे हो, मतलब मुंह मुंह हो गया इसका, लेकिन मैं निकल जाऊंगा शायद, लिफ्टर ना हिट हो खाली बस।
बहुत पीछे यार, मैंने हल्का सा गाड़ी धीरे करी थी फिर भी नहीं आ पाया, कवरअप कर नहीं पा रहा लग रहा है जितना डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। तो भाई बहुत टाइम लग रहा है गौरव को कवर करने में ये डिस्टेंस। और गाइस ट्रक भीषण तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे, अबे भाई हेड टू हेड हो जा, बेइज्जती हो जाएगी, 250 सीसी है, तू भूल मत, ये भूली जा रही है ये 250 सीसी है। अरे भाई भाई साहब क्या क्राउड है, लेकिन खतरनाक भाग रही है भाई। गाइस तो हमको लग रहा है धीरे कर देना चाहिए। नहीं गाइस धीरे नहीं करेगी, यहाँ पे आप देखेंगे N250 आगे निकल पाएगी कि नहीं। N250 गाइस अभी डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, N250 पीछे होती जा रही है। भाई साहब मजा नहीं आ रही है गाइस, तो यहां पे ये बात हो गई कि N250 नहीं निकल सकती। गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि एम्प्टी विन हुई है, अब हम चलाने जा रहे हैं N250 और देखते हैं राइडर का खेल क्या है। चलो गाइस शुरू करते हैं, चलो भाई। ये तो पावर ही नहीं महसूस करा रही है भाई एम्प्टी के आगे तो। भाई ये तो खतरनाक है एम्प्टी 1.5 भाई, अपने 155 सेगमेंट में बहुत ज्यादा खतरनाक बाइक है जैसा देख सकते हो आप। ये खोखली है, खोखली एम्प्टी वाकई में इससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी मैंने एम्प्टी चलाई फिर इसको चला रहा हूँ भाई, ये तो लड़िया है लड़िया। N250 में वो दम नहीं रही यार, 5 गियर एम्प्टी में 6 गियर, भाई एक गियर की कमी खल रही है इसमें। भाई साहब ये क्या हो रहा है, अबे लिमिटर आ रहा है 8000 पे आरपीएम लॉक है, वो देखो मेरे से मजे ले रहा है, शर्ट उड़ा जा रहा है, कोई मतलब नहीं, माचो पहनी है भाई ने माचो। ये रही भाई एम्प्टी 1.5 खतरनाक भाई, ये 5 गियर लगाए मैंने ठीक है, N250 आ गई बगल में, अभी आ गए N250 देखते हैं। चलो मैं बहुत प्यार से स्मोक करूंगा इसे, देखो मौका देने के बाद में भी। हाँ भाई घूमा क्या कुंभ का मेला भाई साहब, मैं भगा नहीं रहा हूँ भाई, अभी बड़े आराम से हराएगा मुझे आज ये। और ये ट्रक वाले आज बिल्कुल दबा के रखे हुए हैं, घेरे पड़े हैं एक्सप्रेसवे आज, ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक। माचो बड़े आराम से हैं। अरे बहन की चोरी, दस्तरी बन गया। चलो देखते हैं एम्प्टी 1.5 जो है N250 को डिनर नहीं सॉरी लंच में खा पाती है कि नहीं, क्योंकि ये टाइम दोपहर का है। लेट गो, चलो 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 N250 तो है भाई बगल में। हुआ था
के फुल पोटेंशियल पे है और एमटी विन है भाई, क्लियर विनर है एमटी। तो गाइस N250 को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है एमटी के बराबर के पीछे आने में, जितनी इजीली एमटी निकल जा रही है उतना ही ज़्यादा इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है भैया एमटी के बराबर के थोड़ा बहुत पीछे आने में भी। तो गाइस आज आपको ये देखने को मिल गया है कि भैया N250 250 cc के आगे 150 cc, 150 cc के आगे 250 cc हल्की पड़ रही। तो बाकी गाइस कैसी लगी ड्रैग रेस, अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। एमटी फैंस यार खुश हो जाओ भाई, इतनी तगड़ी गाड़ी आप लोगों को मिलती 215,000 रुपये में मात्र, ओनली ओन पर NS 400 भी आप लोग ले सकते हो 225,000 रुपये की गाइस। तो बाय बाय गाइस।